कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरे को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 33 वचन 1 से। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। दस तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका धन्यवाद, उसका भजन गाओ। बीड़ा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमेन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर की वचन कहती है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हे धर्मियों, परमेश्वर के कारण, तुम उसके कामों के कारण, उसके प्रेम के कारण तुम जय जयकार करो। क्योंकि परमेश्वर के काम महान है, उसके प्रेम महान है। इसलिए कहता है कि तुम इस यहोवा के लिए, इस परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जितने धर्मी लोग हैं, जितने धर्मी जन हैं, जितने परमेश्वर के जन हैं, उनको परमेश्वर की स्तुति करना उन्हें शोभा देता है। कहता है तुम बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद। कहता है कि तुम जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, तो बीड़ा बजा बजा कर धन्यवाद करो। कहता है बीड़ा की धुन में होकर तुम उस बीड़ा को बजा बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद करो। अरे दस तार वाली सारंगी बजा कर, कहता है दस तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। कहता है ए, दस तार वाली, उस दस तार वाली सारंगी को बजाओ और बजा कर उस परमेश्वर का भजन गाओ। कहता है परमेश्वर का भजन गाना है तो दस तार वाली सारंगी बजा कर गाओ। कहता है उसके लिए नया गीत गाओ, परमेश्वर के लिए महिमा की नई नई गीते गाओ। कहता है जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। कहता है परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, कहता है जय जयकार के साथ भली भांति उसको बजाओ। भली भांति जय जयकार के साथ बजाओ। दस तार वाले वीड़ा बजा बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहता है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। कहता है कि परमेश्वर के वचन नहीं जो है वो टेढ़ा नहीं परंतु सीधा है। परमेश्वर के जो वचन है वो सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। और परमेश्वर के सारे काम सच्चाई से होते हैं। कहता है वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर के सारे काम सच्चाई से होते हैं। परमेश्वर धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धर्म के कामों से और न्याय के कामों से प्रीति रखता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर धर्म से प्रीति रखता और न्याय के कामों से। जितने धर्मी जन हैं और जितने न्यायी हैं, जो सच्चे न्याय से, जो सच्चे न्याय का काम करते, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। मेरे प्रियो, वचन कहती है परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया से इस यह पूरी पृथ्वी भरपूर है।
मैन हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वह स्तुति के योग्य है, महिमा की योग्य है, धन्यवाद की योग्य है, जय जयकार करने की योग्य है। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर का जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसकी भजन गाओ, उसके नाम को ऊंचाओ। वश से यो परमेश्वर आपको अनंत काल की आशीष भरते हैं। मैं इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको आशीष देगा और पूरे दिन सुरक्षित रखेगा। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम विनाशी विराट परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छे देवे खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा जितने गुनाह अपराध हुए, सारे गुनाह सारे अपराधों को क्षमा कर दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारगर के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर तूने वचन में कहा, मैं तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों के आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पदों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम धरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतान को नष्ट करने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जीवन में जितनी भी शैतान की व्यवस्थाएं परमेश्वर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म होने पाए, इनके द्वारा जो भी पाप जो भी गुनाह हुआ प्रभु उसे क्षमा कर। हे परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रखी पूरे दिन, हे परमेश्वर जहां भी रहे सुरक्षित रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप के दलदल से मेरे महान परमेश्वर ने बचा। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास के पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा, परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं चंगा होने दे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है प्रभु उन बीमारों को चंगा कर। हे परमेश्वर जिसके सर में दर्द, बदन में दर्द हो बिल्कुल बाहर निकले, जिसके हड्डी हड्डी में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, नसों में दर्द हो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, प्रभु ने छू लिया और चंगा कर। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर इनमें से हे परमेश्वर जिसके शरीर के अंदर नाना प्रकार के दर्द पीड़ाएं निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर जो दुष्ट शैतान का पर है, यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, शैतान अपना हुकूमत ले, इनका जीवन छोड़ा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिनके शरीर के अंदर टीबी की बीमारी, एचआईवी हो, कैंसर हो, दमा हो, यीशु के नाम से निकल जाए। ब्लड प्रेशर शुगर हो तो निकल जाए, पेट से संबंधित बीमारियां हो तो निकल जाए, पेट का दर्द पेट का चुभन नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर पेट का दर्द पेट का चुभन नष्ट होने पाए, आंत का टूटना बंद हो जाए, जीभ मचलाहट नष्ट हो जाए, उल्टी की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाएगा तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार की बलाएं तो सारी बलाएं दूर हो जाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक के जीवन में आज चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर परिवार रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे। हे परमेश्वर जीवन के हर बंधनों से छुटकारा मिले। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई भी पत्ती तुझ पर न पड़ेगी। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने हे परमेश्वर स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि परमेश्वर स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करते पढ़ाई लिखाई करने वाले,
हे परमेश्वर को तू आशीष दे कि ये पढ़ाई लिखाई में उनके मन और बुद्धि लगने पाए, हमें प्रभु जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुने इनके घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जिनका जमीनी विवाद हो तो समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर जिसका कोर्ट में मुकदमा हो तो मुकदमा समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर प्रकार की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती उसका गर्भ फलवंत हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने बुराई के मार्ग पे चलते बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण करें। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जितने व्यसन से जकड़े हुए लोग व्यसन से छुटकारा पाए, जितने कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हम सबके साथ तेरा हाथ हमारे सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे उन्हें स्वर्गीय आत्मा भर दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले। ओ रिवा संगा बार बार वासे ले रिवा सा कला रवा सिंधु लुरबा लवा 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 होली रवा सा खवर अंधिवेश ले रबा 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 ओ सिंधु बाबा बार बार से खेले रिंदी। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय आशीष के द्वारा ढाप दे हे परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख जितनी तकलीफ जितनी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा शैतानी का जीवन छोड़कर निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग आशा और विश्वास से प्रार्थना को सुन रहे उनके जीवन में चाहे जो कोई बीमारियां यीशु तेरे नाम में निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक आशा और विश्वास प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।